बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ जगह ये देखा जाता है तुलुए आफ्ताब का ऐलान किया जाता है, सूरज निकलने का जो वक्त होता है उसे ऐलान कर दिया जाता है मस्जिद से कि इतना टाइम हो गया, अब कोई नमाज वाज मत पढ़ो, इतने मिनट के बाद नमाज पढ़ना, सूरज निकलने का टाइम हो गया, या फिर फजर की नमाज का टाइम ख़त्म हो गया, इस तरह भी ऐलान होता है। अपने अपने इलाके में अपने अपने हिसाब से ऐलान करते रहते हैं। इसकी शरई हैसियत क्या है, इस मसले को आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, आज के टाइम में, अब के दौर में घड़ी सबके घर में मौजूद है, मोबाइल भी मौजूद है, टाइम टेबल के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ज़माने में घड़ी का ऐसा इंतज़ाम नहीं था, ऐसे किसी के पास मोबाइल वगैरह नहीं था टाइम वगैरह पता करने के लिए। अब पहले ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस वक्त को बताने की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि लोग जान नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे कि क्या होगा, कब टाइम खत्म होगा, तो उस वक्त ऐलान की ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उसके बावजूद भी न अल्लाह के रसूल के जमाने में, न सहाबा के जमाने में कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया गया, नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ कि ऐलान किया गया हो, कभी भी एक मरतबा भी ऐसे मौका नहीं मिला कि सहाबा ने ऐलान किया हो कि भाई फजर की नमाज का टाइम खत्म हो गया या सूरज निकलने का टाइम हो गया, कभी भी ऐलान नहीं हुआ। इससे पता चला यह जो अमल किया जा रहा है, एक तो इसका कोई सबूत नहीं, इसकी कोई बुनियाद नहीं। दूसरी गलती यह है कि जो काम सहाबा के जमाने में जरूरत थी वो काम सहाबा ने नहीं किया तो ये आज कर रहे हैं जबकि इसकी जरूरत भी नहीं है, यानी इस एतबार से भी गलत समझ में आ रहा है, कितना गलत काम है ये। फिर उसके साथ साथ एक चीज और समझने की है, आज इसे लोग इबादत समझ रहे हैं, इस काम को जरूरी समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है अगर इमाम साहब, मौज़िन साहब ऐलान न करें तो गांव वाले आकर कहते हैं भाई ऐलान क्यों नहीं हुआ, सरदार साहब आ जाते हैं फौरन, ऐलान क्यों नहीं किया भाई, आइंदे ऐसी गलती करोगे मस्जिद से हटा दूंगा, तुमको निकाल दूंगा। इससे पता चल रहा है इस काम को लोग सवाब समझ रहे हैं, जरूरी समझ रहे हैं, शरीयत का हुक्म समझ रहे हैं, जबकि ये शरीयत की बात नहीं, शरीयत का हुक्म कुछ नहीं है, कोई बुनियाद नहीं, झूठ है, गलत सलत है सब। इससे भी पता चला कि आज के दौर में इसको नाजायज ही कहना है, चाहे क्योंकि हालात जैसे बन रहे हैं ना, लोग इस अमल को भी शरीयत में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आज के दौर में भी उलमा का फतवा यही है, फुकहा का फतवा यही है, दारुल इफ्ता का फतवा भी यही है कि आज के दौर में जो ऐलान किया जाता है वो सारे ऐलानात बंद कर दिए जाएं। फजर की नमाज का टाइम खत्म होने का जो ऐलान होता है वो ऐलान खत्म कर दिया जाए, बाज़ किताबों में बिदअत भी करार दे दिया गया है, इसीलिए ऐलान इस तरह नहीं करें, नाजायज है। दूसरी बात यह है कि लोग इसमें एक बहाना करते हैं, कहते हैं कि देखो भाई असल में क्या है, बहाना कैसे दे? समझ लीजिए, उस टाइम में नमाज पढ़ना मना है, हम ऐलान इसलिए कर देते हैं कि लोग अगर कोई नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, नमाज पढ़ रहे होंगे तो नमाज न पढ़े, रुक जाएं, क्योंकि उस टाइम में अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज होगी नहीं, इसीलिए हम ऐलान करके लोगों को बता देते हैं। याद रखिए ये गलत है, बहाना है, ये सब चीज क्या सहाबा को मालूम नहीं थी, ये सब काम, ये मसाइल के सहाबा को मालूम नहीं थे, अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं किया, आप ही क्यों कर रहे हैं? जितना कहा गया उतना ही कर लीजिए, जितना बताया गया, जितना अल्लाह के रसूल ने किया उतना ही कर लीजिए, काफी है, हद से ज्यादा करके अपने आप को अपनी मर्जी से शरीयत को लेकर घुमाना, चक्कर खिलाना, ये सब चक्कर में मत रहिए, छोड़ दीजिए, जितना कहा गया उतना ही करिए, उसी में आपको कामयाबी मिल जाएगी। उसके साथ साथ ये बहाना भी बड़ा बेकार बहाना है, क्योंकि लोग जो नमाज नहीं पढ़े रहते हैं फजर की, वो जब नमाज पढ़ने की तैयारी करते हैं उनको ऐलान करके रोका जाता है कि इस टाइम में नमाज मत पढ़ो, बाद में पढ़ना, कहते हैं कि भाई सब ना लोग कभी सो के रह जाते हैं, आंख खुलती है, तो इसलिए उनको बताने के लिए एक तरीका हम इख्तियार कर रहे हैं, कभी ऐलान भी होता है, कभी कभी सायरन भी बजाते हैं, जैसे रमजान में सहरी के वक्त बजाते हैं, ऐसे ही रमजान का मसला तो अलग ही है सहरी के वक्त का, लेकिन यहां पर भी कभी कभी ऐसा होता है किसी जगह पे इस तरह बजाने लगते हैं सायरन, 10-20 मिनट 25 मिनट बजाते रहते हैं। अब जरा समझिए, लोगों जो लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं उनको ये कोशिश करिए कि वो नमाज को सही टाइम में अदा कर सकें, आप जो ऐलान कर रहे हैं उनका तो फायदा यह हो रहा है कि वो तो और भी सुस्ती करेंगे, और भी कोताही करेंगे नमाज में, तो लोगों को सही करने की कोशिश करिए, न कि उनकी गलती को, उनके गलत काम को, और उनको आप जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश करिए इस अमल के जरिया, ऐलान के जरिया। इसीलिए समझ में आता है वो बहाना भी बड़ा बेकार बहाना था
जो लोग इस तरह का बहाना करते हैं अपने आप को ज्यादा अच्छा समझ के। तो इसीलिए मसला भी यही है, मैंने साफ कहा कि भाई ये सब ऐलान वगैरह नाजायज है, बंद कर देना ही चाहिए, जहां होता है वहां लोगों को समझा दिया जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।